यूपी की 15 लाख महिलाओं को 3 साल में लखपति बनाएगी योगी सरकार। यूपी सरकार अब महिलाओं को आर्थिक रूप से और सक्षम बनाने के लिए लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के जरिए शुरुआती 3 सालों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक पहुंचाई जा सके। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है। अधिकारी सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है। इसको मिशन मोड में लागू कर जल्द ही नतीजे हासिल किए जाने की योजना है। पहले चरण में 11 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें वाराणसी और प्रयागराज के अलावा अलीगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, हमीरपुर और सोनभद्र शामिल है। इन जिलों में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें कई प्रकार की योजनाओं से जोड़कर वार्षिक आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्हें कई सरकारी योजनाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द नतीजे तक पहुंचाने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके तहत जिला और विकास खंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा। 15 नवंबर तक जिला और विकास खंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन हो जाएगा। 30 मार्च के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। जिला स्तर पर जिलाधिकारी टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे जबकि मुख्य विकास अधिकारी सचिव होंगे। रोजगार उपयुक्त मनरेगा इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा कृषि विकास, बागवानी, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन के सदस्य भी इस टास्क के फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स का काम लखपति महिला ऐप पर विकास खंड के सभी स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के स्वघोषित आय को अपलोड करने की समीक्षा करना। चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।